सेज इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सेज की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव। ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये मिनिस्ट्री याद करना ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, हिंदी में बोलेंगे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है वर्चुअली यानी कि इंटरनेट पर। और इसके लिए एक सेज पोर्टल बनाया है। किसके लिए बनाया है सेज पोर्टल? एल्डरली पर्सन्स के लिए, बुज़ुर्ग लोगों की हेल्प करने के लिए ये सेज पोर्टल बनाया। पोर्टल का मतलब है जी वेबसाइट ही समझ लो आप, जैसे गूगल एक वेबसाइट है, इंटरनेट पे एक इंटरनेट पे साइट बनाई है इनके हेल्प के लिए, एल्डरली पर्सन के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपये असाइंड किए हैं, 100 करोड़ रुपये किसके लिए? ताकि सिल्वर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके। अब ये सिल्वर इकोनॉमी क्या है जी, जिसको बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट? सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है जी ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कोई भी माल या वस्तु, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएँ, डिस्ट्रीब्यूट की जाएँ या फिर कंजप्शन की जाए, मतलब ऐसी माल वस्तु प्रोड्यूस की जाएँ, पैदा की जाएँ यानी कि बनाई जाएँ फैक्ट्रीज में, जिन्हें ये समझा जाए कि उन्हें क्या है, ओल्डर और एजिंग पीपल ही खरीदेंगे। मतलब कि ये है कि जो एजिंग पीपल की परचेजिंग पोटेंशियल है, मतलब परचेजिंग पावर है उनकी, खरीदने की जो पावर है जी, वो इन्हें ध्यान में रखते हुए किसी भी फैक्ट्री वगैरह में ऐसी चीज़ प्रोड्यूस की जाए उसे बोलेंगे सिल्वर इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें यही है कि जब भी मान लो कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ भी प्रोड्यूस करेगी, ये ध्यान में रखते हुए करेगी हाँ ये वस्तु बुज़ुर्ग लोग कंजम्पशन करेंगे या उनकी लिविंग और हेल्थ नीड्स को सेटिस्फाई करेगी ये वस्तु। जैसे मान लो जी आपके आई लेंस बना दिए जी, या चश्मे बना दिए जी, स्पेक्टिकल्स, या फिर आपके मान लो जी आपका कुछ मान लो व्हील चेयर बना दीजिए। अब ये ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि हाँ इन्हें ये भी खरीदेंगे, बुज़ुर्ग लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। देखो अब किसी के मान लो किशोर अवस्था में या फिर आपके एडल्ट एज में जी किसी के हाथ पैर टूट जाएं तो उसे व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ जाए, वो अलग बात है। लेकिन जनरली कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं कि हाँ व्हील चेयर बनाई जा रही है, इसे बुज़ुर्ग लोग खरीदेंगे। तो ऐसी माल वस्तु या गुड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाएंगी, इसमें परचेजिंग पावर एजिंग पीपल की देखते हुए ही प्रोड्यूस की जाएंगी। जो सिल्वर इकोनॉमी है जी, ये सोशल जेरेंटोलॉजी को एनालाइज करती है इसके बेस्ड पे। जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है जी स्टडी ऑफ एजिंग, यानी कि बुज़ुर्ग लोगों पे अध्ययन करना। इसमें क्या होगा, देखो जी सिल्वर इकोनॉमी में ये एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम पे बेस्ड नहीं होती है। इसमें क्या है, एजिंग पॉलिसी और पोटेंशियल आइडिया इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब कि ये है देखो जी, ये कोई इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे वो कैसे काम करता है, गुड्स और सर्विसेज बनाई जाएंगी फैक्ट्रीज में, लेकिन इसमें क्या है कि जो सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम, उसे छोड़ के जो पॉलिटिकल पॉलिसी बनाई जाती है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए, और कोई पॉलिटिकल आइडियाज़ होता है जो मान लो जी इकोनॉमिक सिस्टम में नीड ओरिएंटेड होता है, किसकी नीड, बुज़ुर्ग लोगों की, एजिंग पॉपुलेशन की, यानी कि बुज़ुर्ग लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी प्रोग्राम बनाती है, या फिर कोई ऐसा पॉलिटिकल आइडियाज़ जो प्रमोट करे एजिंग पीपल हैं जी, जो उनकी नीड्स को, ज़रूरत को, तो उनमें ध्यान में रखते हुए ये एक सिल्वर इकोनॉमी उस पर बेस्ड होती है। आप समझ गए, यानी कि ये मतलब इसका ये नहीं है कि जैसे फ्री इकोनॉमी होती है जी, जैसे वो फैक्ट्रीज़ में सिर्फ ऐसी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे कि जो क्या है एजिंग एजिंग पॉपुलेशन के लिए हो, कि उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करें। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम है ना, उसको ध्यान में रखते हुए नहीं बेस्ड है सिल्वर इकोनॉमी, बल्कि एजिंग पॉलिसी पे बेस्ड है। यानी कि फैक्ट्री वगैरह तब वस्तुएं प्रोड्यूस करेंगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखते हुए, कि गवर्नमेंट ने हाँ ये पॉलिसी बनाई है और इसमें क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एजिंग पॉपुलेशन को, कि ये इतना हियरिंग मान लो लॉस है किसी को, किसी को सुन नहीं सकता जी, किसी बुज़ुर्ग लोग को, उसके लिए मशीन बनाई जा रही है सुनने के लिए, ताकि वो मशीन से सुना जा सके कान में लगा के। तो अब क्या करेंगे जी वो फैक्ट्री वगैरह, अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि हाँ इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि ये एजिंग पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब बुज़ुर्ग लोगों को ये जो मशीन है सुनने वाली मशीन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करेंगे वस्तुएं, समझ गए? तो यानी कि ये पॉलिसी पे बेस्ड सिल्वर इकोनॉमी होती है, एजिंग पॉलिसी पे बेस्ड। तो इसके मेन एलिमेंट यही होते हैं, जेरन टेक्नोलॉजी। जेरन टेक्नोलॉजी का मतलब है जी ऐसी टेक्नोलॉजी जो एज्ड पीपल पे बेस्ड हो, पर्टेनिंग का मतलब है जी संबंधित, रिलेटेड,
ऐसी टेक्नोलॉजी जो एज्ड पीपल से, बुजुर्ग लोगों से संबंधित रखती हो, जिसमें क्या है न्यू साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की जाए और न्यू इम्प्लीमेंटेशन पैराडाइम हो। तो ऐसे मतलब टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जेरंटोलॉजी जो एज्ड पीपल पे बेस्ड हो। आप पढ़ते हैं जी सेज इनिशिएटिव के बारे में। सेज इनिशिएटिव में क्या है, एक अभी सेज पोर्टल लॉन्च किया है। ये क्या होगा, एक वन स्टॉप एक्सेस सिस्टम होगा। किसके लिए, एल्डरली केयर प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें या सर्विसेज। कहने का मतलब ये जी जो साइट होगी एक, इस साइट पे क्या है वन स्टॉप एक्सेस का मतलब है सारी वस्तुएं जो भी एज्ड पीपल से रिलेटेड हैं या सर्विसेज, कोई भी सेवा या गुड्स या सर्विसेज सब उपलब्ध होंगी इसके लिए। कौन देगा जी, इन्हें प्रोवाइड कौन करेगा, इन्हें प्रोवाइड करेंगे जी क्रेडिबल स्टार्टअप्स यानी कि कंपनीज। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया, गवर्नमेंट तो कह रही है मैं पोर्टल बना रही हूँ इनकी सहायता के लिए। देखो जी सहायता के लिए तो बना रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है सिर्फ एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, लॉन्च किया है जो जो भी मान लो इंटरेस्टेड हैं इंटरप्रेन्योर, जैसे उद्योगपति हैं जी, कोई फैक्ट्री चलाता है जी और उसमें बनती हैं बुज़ुर्ग लोगों के लिए कोई वस्तु प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है जी बुज़ुर्ग लोगों के लिए, तो उनके लिए क्या है जी ये सेज पोर्टल एक तरह से फैसिलिटेटर होगा। सेज पोर्टल कहेगी गवर्नमेंट, भाई साहब आप बुज़ुर्ग लोगों के लिए चीज़ बना रहे हो अपनी इस पोर्टल पे रखो। जैसे मान लो जी आप कोई साइट खोलोगे, आप कोई साइट खोलोगे, जैसे मान लो आपको बीए में एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, तो आपने किसी कॉलेज की साइट खोली, तो यहाँ पे साइट पे जी एक जगह लिखा रहेगा कि क्लिक फॉर एडमिशन इन बीए। मतलब अगर आपको बीए में एडमिशन लेना तो यहाँ क्लिक करो, बीटेक में एडमिशन लेना तो यहाँ क्लिक करो, या कैसे एक विंडो बनी होती है ना ऐसे उसमें साइट पे। तो ऐसे इसमें क्या होगा जी, जो इंटरप्रेन्योरशिप होंगे सारी अपनी जो भी इनकी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी सारी, किस पे, इंटरनेट पे, सेज पोर्टल पे। तो इससे क्या है जो एल्डरली केयर प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इससे ये जो इंटरप्रेन्योरशिप है मतलब जो ये उद्योगपति हैं जी जो फैक्ट्री चलाते हैं, ये अपना सारा माल वस्तु इस पोर्टल पर रखेंगे और जिस भी बुज़ुर्ग लोगों को ज़रूरत है एक ही प्लेटफॉर्म पे उन्हें सारी वस्तु और सेवाएं उपलब्ध होंगी, सारी गुड्स एंड सर्विसेज। ये सेज पोर्टल का यही है जी, इसका प्रोजेक्ट का, सेज प्रोजेक्ट का यही टारगेट है। जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है उनको आइडेंटिफाई करेंगी, डायरेक्टली स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करेंगी, यानी कि मिनिस्ट्री है जी जो सिर्फ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है वो एज ए फैसिलिटेटर काम करेगी कि सिर्फ जो एल्डरली पर्सन है उन्हें आसानी से सारी वस्तुएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हों, और ये ऐसे स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करके कि जो प्रोवाइड करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विस इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करें और सारी जो जो चीज़ वो बेच रही है कुछ भी यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो ये है जी ये। अब इसके और क्या फीचर्स हैं जी सेज पोर्टल के या सेज जो इनिशिएटिव है, ये क्या है जी कोई भी स्टार्टअप अप्लाई कर सकती है जी बींग ए पार्ट ऑफ सेज थ्रू ए डेडिकेटेड पोर्टल। कोई भी मान लो स्टार्टअप का मतलब है जी कंपनी जो स्टार्टिंग में की कंपनी चलाई जाती है ना स्टार्टिंग में, तो उसे कुछ समय के लिए स्टार्टअप बोलते हैं जी क्योंकि कंपनी बनाई गई है अभी कुछ सालों में। तो ये स्टार्टअप अपने आप को रजिस्टर कर सकती है यहाँ पे। स्टार्टअप सिलेक्टेड अंडर सेज विल बी दोज विच विल प्रोवाइड न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऐसे कंपनियाँ सेलेक्ट की जाएंगी जी जो नई इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगी या सर्विसेज एल्डरली पर्सन को, बुजुर्ग लोगों को जो रिलेटेड होंगी, मान लो उनसे हेल्थ से रिलेटेड कोई सर्विस दे रही है, गुड्स प्रोवाइड कर रही है, ट्रेवल फाइनेंस है, या फिर आपका लीगल हाउसिंग फूड, इनके मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी सेवा या गुड्स प्रोवाइड कर रही है, तो उन स्टार्टअप को यहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा। और इसके लिए क्या जी गवर्नमेंट ने के 25 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं 2021-22 के लिए, सिर्फ एक साल के लिए, करंट ईयर के लिए 25 करोड़ दिए हैं। लेकिन सिल्वर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कितने दिए थे, 100 करोड़ रुपीज़, लेकिन एक साल के लिए सेज प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ सेज प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं 25 करोड़ इसके लिए। देखो ऐसे वैसे तो यूपीएससी पूछती नहीं है, लेकिन एक दो बार पहले पूछा गया है कि इसके लिए कितने रुपये अलोकेट किए हैं, तो ये भी याद रख लो आप। अब इस जो इनिशिएटिव है जी इसकी ज़रूरत क्या है, देखो जी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो एल्डर पर्सन है ना उनका शेयर पॉपुलेशन में बढ़ता ही जा रहा है। 2001 में हमारी पॉपुलेशन का 7.5% लोग बुज़ुर्ग लोग थे, एल्डरली पीपल थे, लेकिन 2026 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इमेजिनेशन कि 12.5% तक एल्डरली पीपल हो जाएंगे हमारी पॉपुलेशन के, और 2050 तक आते आते 19.5% से ज़्यादा हो जाएंगे एल्डरली पीपल हमारी टोटल पॉपुलेशन के। तो ये और क्या इनिशिएटिव है जी, ये तो ये था हमारा सेज पोर्टल और सेज इनिशिएटिव। और देख लेते हैं जी मेंस में आप आंसर लिखोगे एल्डरली पर्सन से रिलेटेड, तो
और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं, क्या क्या स्कीम प्रोग्राम चलाए हुए हैं बुज़ुर्ग लोगों के लिए। देखो जी, पहला तो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स, आईपॉप। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जी? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब है जी टारगेट, एम, लक्ष्य, के क्वालिटी ऑफ लाइफ ओल्डरली पर्सन की, जो ओल्डर पर्सन है जी, एल्डरली पर्सन, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाए। इस किस कैसे इम्प्रूव करेंगे जी? उन्हें बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करके। बेसिक एम्यूनिटीज़ का मतलब है जी, मतलब जो ऐसी फैसिलिटीज़, जो असेंशलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ जो जीने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे उन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया जाए जी, मतलब रहने के लिए घर, फूड प्रोवाइड किया जाए, मेडिकल केयर या फिर एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएँ उनको। नेक्स्ट है जी, देखो इसमें इतना याद रखना बस, जो आईपॉप है उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज किया जाएगा एल्डरली पर्सन की। नेक्स्ट है जी, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जी। अभी 2016 में इसको लॉन्च किया था, नोटिफाई किया था इसको, और इसके लिए जी 2016 में जी एक फ़ंड भी नोटिफाइड किया था, इसके लिए फ़ंड बनाया था जिसका नाम है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। तो ये इस फंड से जी इस पैसा आता है इसमें, और सेंट्रली सेक्टर स्कीम का मतलब है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा लगाती है और इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लागू भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और एक जी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट पैसा लगाती है और इम्प्लीमेंट भी दोनों ही करती हैं। तो ये कैसी है? सेंट्रली सेक्टर स्कीम। इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे जी? इसमें जी जो बीपीएल फैमिली के जो एल्डरली पीपल हैं, मतलब ऐसे सिटीजन, हमारे नागरिक, सीनियर सिटीजन हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से गरीब लोग हैं जी, जो एक बीपीएल कार्ड होता है जी, राशन कार्ड, तो जो बीपीएल राशन कार्ड है जिसके पास, जो गरीब लोग हैं, तो उनके लिए ये प्रोवाइड की जाएगी जी सहायता। क्या सहायता दी जाएगी जी इसमें? एड्स एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइस, लिविंग डिवाइस दिए जाएंगी, जैसे वो जी जिसे सुना नहीं जाता जी, तो उसके लिए एक सुनने वाली मशीन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, या जिसे दिखाई नहीं देता है, लो विजन है जी, तो उसके लिए चश्मे वगैरह, या फिर और लेंस वगैरह, या फिर किसी के दांत वगैरह टूट गए जी, लॉस ऑफ टीथ, तो उसके लिए जी, या लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, व्हील चेयर प्रोवाइड करेगी जी, जिस पर चला नहीं जाता है। तो ऐसी सहायता गरीब लोगों को देती है इसमें राष्ट्रीय वयोश्री योजना में, तो ये याद रखना जी इसमें। नेक्स्ट है जी, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये क्या है जी? देखो जी, इसे लॉन्च किया था 2017 में। ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ओल्ड एज के ड्यूरिंग। इसमें क्या, सोशल सिक्योरिटी का मतलब है जी सामाजिक सुरक्षा। कैसे? पेंशन स्कीम है जी, एक पेंशन प्रोवाइड करेगी जी। पेंशन जो मिलती है या तो मंथली जी देगी सीनियर सिटीजन को हर महीने देगी, या क्वार्टरली हर 3 महीने में, या हाफ ईयरली हर 6 महीने में, या ईयरली प्रोवाइड करेगी जी। ये ऑन एनुअल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लिए होगी जी, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगी जो 60 साल के हैं या उससे अबव हैं, 60 ईयर ऑफ एज है जिनकी या उससे अबव हैं, उन्हीं के लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल अवेलेबल होगी ये स्कीम, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, वय वंदन योजना। नेक्स्ट है जी आपका वयोश्रेष्ठ सम्मान, ये क्या जी? ये अवार्ड है, सम्मान का मतलब है जी अवार्ड, पुरस्कार है, एक नेशनल अवार्ड है। ये दिया जाता है सीनियर सिटीजन या किसी इंस्टीट्यूशन को, एमिनेंट सीनियर सिटीजन, एमिनेंट का मतलब है जी फेमस, प्रसिद्ध। ये वेरियस कैटेगरीज में दिया जाता है, बहुत सारी कैटेगरीज में, और ये उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, जो बुज़ुर्ग लोगों की सहायता करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन के लिए ये दिया जाता है जी सीनियर सिटीजन को, या फिर किसी संस्था को, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है जी, मान लो कोई सेंटर है, वो बुज़ुर्ग लोगों की सहायता कर रहा है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, या फिर सीनियर सिटीजन को ही दिया जाता है जी, जो और लोगों की सहायता कर रहे हैं। और कब दिया जाता है ये? 1 अक्टूबर को दिया जाता है, क्योंकि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन होता है जी, मतलब बुज़ुर्ग लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन, तो उसी दिन दिया जाता है ये अवार्ड। एक एक्ट बनाया हुआ जी 2007 में, एक एक्ट बनाया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये एक्ट किस लिए बनाया जी? देखो जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चे जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, तो क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए बनाया, ताकि जो बच्चे छोड़ देते हैं ना, इनके चिल्ड्रन, वो उन्हें मंथली अलाउंसेस दें, अलाउंसेस दें, ये जी मैंडेटरी है। अगर कोई अपने माँ बाप को छोड़ देता है या कुछ भी, उन्हें या तो मंथली अलाउंसेस देगा जी, और मतलब कि उनकी सहायता करेगा, समझ रहे हो, ताकि बच्चे क्या है अपने पेरेंट्स को छोड़े ना बुजुर्ग जब हो जाएं, तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया था। तो यही था जी बस इस लेक्चर में।